जय हिंद दोस्तों सो फोर्टी सिक्स क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो विच वॉज अबाउट द रेवल्यूशनरीज इन साइड द रेवल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेश इन इंडिया एंड इसमें हम सेकेंड पार्ट लेकर आ रहे हैं द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डील इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फोटी सेवंथ क्वेश्चन दैट हु अमंग द फॉलोइंग चेंज द नेम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन विच वॉज स्टेब्लिश बाय सचिन ना सान्याल टू एच एस आर एन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन तो ये नाम चेंज किया गया था सोशलिस्ट परसपेक्टिव इसमें डाला गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा नाइनटीन ट्वेंटी एट में एच एस आर एच एच एस आर एसोसिएशन स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पर डेली में फिरोशा कोटला जिसको अभी अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं तो फिरोशा कोटला मैदान हुआ करता था वो और वहाँ पर ये इस्टेबलिश किया गया था रेवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कैसे हुई थी उनकी हत्या ब्रिटिशर्स ने कैसे की थी तो ये बुलेट्स के द्वारा की गई थी इन द एनकाउंटर देखिए दो थियरीज हैं इसमें एक एक थियरी ये बोलती है इनकी मृत्यु एल्फ्रेड पार्क अलाबाद में हुई थी दिस इज ट्रू बट एक थियरी ये बोलती है कि जब ये घेर लिए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा एंड इनके पास एक लास्ट बुलेट बचा था देन ही थाट दैट इससे ये ब्रिटिशर्स से अब नहीं लड़ सकते हैं एंड इसलिए उन्होंने वो एक गोली खुद ही ले ली एंड ही सक्रीफाइस हिज लाइफ दूसरी ये बोलती है कि नहीं वैन ही वॉज सराउंडेड बाई ब्रिटिशर्स सो ही वॉज गन डाउन बाय द ब्रिटिशर्स ठीक है हु गेव द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद सो दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय भगत सिंह एंड इट वॉज रिटन बाय मौलवी हसरत मोहानी और ये स्लोगन पॉपुलर किया भगत सिंह ने फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अमंग द फ्रीडम फाइटर्स एंड द पीपल ऑफ़ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन अगेन भगत सिंह जी ने दिया था लॉन्ग लिव इंडिया रेवोल्यूशन लॉन्ग लिव इंडिया रेवोल्यूशन का मतलब भी वही है इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव इनको एग्जीक्यूशन दिया गया था तेईस मार्च उन्नीस सौ इकत्तीस को जिसको शहीद दिवस के नाम से भी जानते हैं तो देखिए ऐसा था कि आ, इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट एन एक्ट भगत सिंह और उनके फ्रेंड बटुकेश्वर दत्त जो थे उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना लो इंटेंसिटी बॉम्ब को असेंबली हॉल में फेंका जाए जिससे कि जो बहरों को आवाज़ सुनाने के लिए बॉम्ब था ना कि किसी की मृत्यु के लिए था सो एट द सेम टाइम उन्होंने इंश्योर किया कि कोई भी डेथ वहाँ पे ना हो इमीडिएटली बॉम्बिंग के बाद भगत सिंह और उनके दोस्त को वॉलेंट्रिल उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनको ट्रायल के लिए ले जाया गया तो वो जानबूझ के अरेस्ट हुए जिससे कि वो वहाँ जाके अपनी बात रख पाएँ सो दे व चार्ज विद अटैम्प्टू मर्डर भगत सिंह और उनके जो साथी थे राजगुरु और सुखदेव उनको एग्जीक्यूशन मिला तेईस मार्च उन्नीस सौ इकतीस को ऑल्दो दिस एग्जीक्यूशन वॉज नॉट ड्यू टू दिस बॉम्बिंग केस मीन टाइम एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी ऑफ फ्रेमिंग भगत सिंह फॉर एलीज मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर इन द पोस्ट एंड विच वॉज हैसन बाय वाइस राय इरविन इन नाइनटीन थर्टी सो भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव को सेंटेंस दिया गया टू डेथ इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी एंड इनकी एग्जीक्यूशन डेट फिक्स की गई 24 मार्च उन्नीस फिर कांग्रेस और गांधी जी ने भी बहुत सारे अटैम्प्ट किए इनकी लाइफ बचाने के बट ऑल वेंट इन वेन 17 मार्च को एक टेलीग्राम भेजा गया होम डिपार्टमेंट में प्रिपेयरिंग द एग्जीक्यूशन डेट टू ट्वेंटी मार्च एंड वाज हैंग टू डेथ ऑन ट्वेंटी मार्च 1931 सो बाय लिसनिंग टू द न्यूज़ ऑफ हैंगिंग ऑफ दीज थ्री पूरी कंट्री एक ग्लूमी साइलेंस में चली गई थी तो उनकी जो निर्धारित डेट थी उससे एक दिन पहले ही इस डर से कि कहीं ये पूरा देश जो उनके समर्थन में था वो हजूम ना खड़ा हो जाए इन्होंने एक दिन पहले ही उनको फांसी की सज़ा दे दी भगत सिंह थ्रू अ बॉम्ब इन द सेंट्रल असेंबली अलॉन्ग विद तो किसके साथ किया था बटुकेश्वर दत्त जी के साथ भगत सिंह सुखदेव राजगुरु वर सेंटेंस टू डेथ कौन से केस में लाहौर कॉन्स्पेरेसी केस में भगत सिंह वॉज एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद टू ऑफ इस कॉम्रेड्स ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च नाइनटीन थर्टी वन कौन थे वो दो लोग तो वो थे राजगुरु और सुखदेव भगत सिंह मेमोरियल इज़ सिटुएटेड एट तो ये फिरोजपुर में है सो ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट टुडे दिस एट द सेम प्लेस द मेमोरियल ऑफ शहीद भगत सिंह इज सिटुएट ठीक है तो उनका फ्यूनरल किया गया था ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सतलज जब उनको वेन दे वर वैंगड सो उसके बाद उनका फ्यूनरल हुआ था रिवर सतलज में फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के पास इन तीनों लोगों का और उसी जगह पे मेमोरियल भी बनाया गया शहीद भगत सिंह का वेर एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी थर्ड मार्च थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टू पे देयर एज विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज नॉट हैंग फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी तो बटकेश्वर दत्त जी को लाहौर कॉन्स्पिरेसी के लिए आ, फांसी की सज़ा नहीं दी गई थी बिकॉज वो उनके साथ बॉम्बिंग केस में गए थे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नॉट अगेन देखिए जैसे जैसे हम बुक खत्म होने की तरफ पहुंच रहे हैं ये बार बार uh, हो रहा है सो ओके वी आर वेरी नियर टू इट या सो या वी वर हियर फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस रिजल्टेड इन द हैंगिंग ऑफ तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु तीन लोगों की आ, को फांसी पे चढ़ाया गया था नेम द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वॉज हैंक फॉर इंडियन फ्रीडम तो फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम जिनको फांसी की सजा दी गई थी ही वॉज अशफाकुल्ला खान ही वॉज द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम हु वॉज सेंटेंस टू डेथ इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑन नाइनटीन दिसंबर नाइनटीन ट्वेंटी सेवन एट द एज ऑफ ट्वेंटी सेवन ईयर इन फैज़ाबाद जेल ठीक है तो ये पहले मुस्लिम रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं जिन्होंने जिनको डेथ सेंटेंस दी गई थी फ्रीडम स्ट्रगल में नाइन्टीन डिसम्बर नाइनटीन ट्वेंटी सेवन को ये हुआ था ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन हंड्रेड इन शाहजहाँपुर तो शाहजहाँपुर में इनकी जन्म हुआ था फैज़ापुर में इनको फांसी दी गई थी उत्तर प्रदेश इफ़ द रेफरेंसेज ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट इज़ो टेकन अगर एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट की भी यहाँ पर बात करें देन इसका आंसर हो जाएगा अजीज़ुद्दीन बिकॉज 1857 में आफ्टर सप्रेसिंग द डेली रिवोल्ट ब्रिटिशर्स ने मुगल प्रिंस अजीज़ुद्दीन और छह दूसरे मुगल प्रिंसेस को डेली गेट पे हैंग किया था ठीक है सो ही वॉज अ मुगल प्रिंस एंड रेवोल्यूशनरी की अगर बात करें एंड uh, या फिर एटीन uh, फिफ्टी को काउंट ना करें तो अशफाकुल्ला खान वुड भी द फर्स्ट रिकॉर्डेड मुस्लिम टू बी हैंग बाय द ब्रिटिशर्स गिवन बिलो इज़ अ लिस्ट ऑफ सम केसेज सिलेक्ट देयर करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाई यूजिंग द कोर्स एट द एंड लाहौर केस मेरिट केस काकोरी एंड कानपुर सो इट इज़ वन फोर टू थ्री सी इज़ द आंसर लाहौर लाहौर कॉन्स्परेसी केस हुआ उन्नीस सौ सोलह में देन एंड सेकेंड लाहौर कॉन्स्परेसी हुआ उन्नीस सौ तीस में ठीक है एक और हुआ था जिसमें भगत सिंह जी को फांसी मिली थी कानपुर कॉन्स्परेसी केस होता है 1924 में काकोरी होता है 1925 में और मेरठ होता है उन्नीस में तो अगर फर्स्ट लाहौर केस के हिसाब से देखा जाएगा तो वन फोर टू थ्री ठीक है और अगर सेकेंड लाहौर के हिसाब से देखा जाए तो देखते हैं ऑप्शन बन रहा है कि नहीं इट विल बी फोर टू थ्री दैन वन तो फोर टू थ्री वन का तो ऑप्शन नहीं है इसलिए फर्स्ट कॉन्स्परेसी ही देखी जा रही होगी सो इट वुड बी सी हो अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद कानपुर कॉन्स्परेसी केस सो ही वॉज एम ए अनसारीज टू रिप्रेस द इंक्रीजिंग पावर ऑफ कम्युनिस्ट इन इंडिया फ्यू कम्युनिस्ट लीडर्स वु ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिस्ट कॉन्स्परेसी इन कानपुर दिस केस बिकेम फेमस एज कानपुर कॉन्स्परेसी केस ऑफ नाइनटीन ट्वेंटी फोर द लिस्ट ऑफ थर्टीन पर्सन ओरिजिनली एक्ूज इन द कानपुर केस एम एन रॉय मुजफ्फ़र अहमद शौकत उस्मानी गुलाम हुसैन एस ए डांगे सिंगार वेलू आर एल शर्मा नलिनी गुप्ता शमुद्दीन हसन एम आर एस वेलाई वेलिन धून डॉक्टर मनीला संपूर्णानंद एंड सत्य भक्त तो ये लोग कानपुर कॉन्स्प्रेसी केस में इन्वॉल्व थे विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड डेली कॉन्स्पिरेसी केस अमिर चंद काकोरी कॉन्स्परेसी केस अशफाकुल्ला खान लाहौर कॉन्स्परेसी केस जतिन दास नासिक कॉन्स्परेसी केस राज बिहारी बोस देखिए डी इसमें करेक्टली मैच नहीं है ना नासिक कॉन्स्परेसी केस में अनंत लक्ष्मण करकरे इज द मेन पर्सन एंड ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच राज बिहारी बोस एसोसिएटेड थे डेली कॉन्स्परेसी केस के साथ अभिनव भारत सोसाइटी लॉन्च की गई उन्नीस में वी डी सावरकर जी के साथ एंड वन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आनंद लक्ष्मण करकरे शॉर्ट डेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक ऑन ट्वेंटी फर्स्ट डिसम्बर ये सेंसेशनल मर्डर को नासिक कॉन्स्परेसी केस बोलते हैं सत्ताईस मेंबर्स अभिनव भारत सोसाइटी के कन्विक्ट किए गए और उनको पनिश किया गया विच ऑफ द ट्रायल्स अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी एंड ड्रू द सिंपेथेटिक कमेंट्स फ्रॉम एलबर्ट आइंसटीन एच जी वेल्स हेरोल्ड लस्की एंड रूज वेल्ट इन फेवर ऑफ द तो ये जो इम्पॉर्टेंट केस था वो था मेरठ कॉन्सपरेसी केस उन्नीस में गवर्नमेंट ऑफ लॉर्ड इरविन इन्होंने 13 लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया वर्किंग क्लास मूवमेंट के और तीन साढ़े साढ़े तीन साल का ट्रायल दिया रिजल्टेड इन द कन्विक्शन ऑफ मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे जोगलेकर फिलिप स्प्रैट बैन ब्राइडले शौकत उस्मानी ये ट्रायल को वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी मिली बट वीक एंड द वर्किंग क्लास मूवमेंट

विच ऑफ़ द फॉलोइंग pairs इज नॉट करेक्टली मैच हावड़ा कॉन्स्पेरेसी नाइनटीन टेन विक्टोरिया कॉन्स्पेरेसी नाइनटीन फोर्टीन लाहौर कॉन्स्पेसीन एंड नाइनटीन थर्टी काकोरी कॉन्स्परेसी नाइनटीन ट्वेंटी फोर तो काकोरी जो हुआ था उन्नीस सौ पच्चीस में हुआ था नाइन्थ अगस्त नाइन्टीन ट्वेंटी फाइव को ये एक ट्रेन रॉबरी थी जो कि लीडरशिप थी इसमें राम राम प्रसाद बिस्मिल की और लखनऊ के पास ही हुआ था यूजिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेन ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट रेवोल्यूशनरी इज इन्वॉल्व इन दिस रॉबरी व चंद्रशेखर आज़ाद सचिन नाथ सान्याल मंथन नाथ गुप्ता राजेंद्र लाहिड़ी जजमेंट इन द फर्स्ट एंड सेकेंड लाहौर कॉन्स्परेसीसी नाइनटीन सिक्सटीन एंड नाइनटीन थर्टी रिस्पेक्टिवली ठीक है नेक्स्ट इज हावड़ा कॉन्सपरेसी नाइनटीन लाहौर कॉन्स्परेसी केस नाइनटीन सिक्सटीन ट्वेंटी डेली केस हुआ पे एंड अलीपुर कॉन्सपरेसी केस तो आपको ये इनके लीडर्स को इसके साथ जोड़ना है तो ए का हो जाएगा थ्री दैट इज लावड़ा कॉन्स्पिरेसीज़ इज विद जतेंद्र नाथ मुखर्जी देन बी इज फोर लाहौर कॉन्स्पिरेसी इज राजगुरु, देन सी इज वन डेली कॉन्स्पिरेसी इज मास्टर अमीर चंद एंड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी इज अरविंद घोष मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता ये किस कॉन्स्परेसी के लिए अंदर गए थे तो ये इनको जो जेल हुई थी ये हुई थी कानपुर बोल शेविक कॉन्स्परेसी केस के लिए ठीक है कानपुर बोल शेविक केस के लिए जो जेल हुई थी वो मुजफ्फ़र अहमद ऐसे डांगे शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता जी को हुई थी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जब फैल रही थी इंडिया में ड्यूरिंग द थर्ड एकेियड ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी दैट इज़ नाइनटीन का जो पीरियड था सो so गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए उसके सप्रेशन के लिए तो कुछ सोशलिस्ट लीडर्स को जेल में डाला गया श्रीपद अहमद अमृत डांगे मुजफ्फर अहमद शौकत उस्मानी नलिनी गुप्ता इन लोगों को जेल में डाला गया और फॉल्स एक्विजीशन लगाए गए कानपुर कॉन्स्परेसी में इन्वॉल्व होने के और इनको चार साल की पनिशमेंट मिली हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द फेमस चटगांव आर्मरी रेड तो ये सूर्य सेन जी ने ऑर्गेनाइज की थी चटगांव आर्मरी रेड ये अटैम्प्ट किया गया था टू रेड द आर्मरी ऑफ द पुलिस एंड ऑक्सिलरी फोर्सेज ऑफ चटगांव इन बंगाल इसको ऑर्गेनाइज किया था सूर्य सेन ने

इसमें 80 सोल्जर्स और 12 रेवोल्यूशनरीज़ की मृत्यु हुई 16 फरवरी 1933 को सूरिसन को अरेस्ट किया गया और उनको लीगल प्रोसीडिंग्स में डाला गया और 12 जनवरी उन्नीस को उनको फांसी दी गई सो दैट वॉज द पीरियड ऑफ एक्चुअली सेक्रीफाइस यू नो आप देख रहे हैं कि हम इस जो चैप्टर है इसमें जितने भी लोग ये जो रेवोल्यूशनरीज थे दे वर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ देयर कंट्री ओनली द न्यू दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव बट दे एक्चुअली गेव अप देयर लाइफ फॉर आर फ्रीडम तो इनके लिए हमेशा एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए हम लोगों के मन में फॉर लाइफ टाइम बिकॉज एक एक इंसान की वजह से हमें फ्रीडम नहीं मिली थी देवर न्यूमरस पीपल जिनके नाम भी कभी हिस्ट्री में नहीं आएंगे जिनकी वजह से वी रिसीव दिस फ्रीडम सो वाइल रीडिंग सच चैप्टर अंदर से एक रिस्पेक्ट डेवलप होती है ऐसे हम नहीं सोचते हैं पूरा दिन वी यूज़ टू सेट वी आर लिविंग इन थ्री इंडिया

इनको गिरफ़्तार किया गया था प्रफुल्ल चाकी जी ने सुसाइड कर लिया था बिकॉज गलत uh, चैरिट पर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया और उसकी वजह से दो इनोसेंट लोगों की मृत्यु हो गई थी एंड खुद ही बोस को अरेस्ट किया गया एंड ही वॉज हैंंग्ड सो एटीन एटी नाइन थर्ड दिसंबर एटीन एटी नाइन को उनकी मृत्यु होती है एंड बर्थ ओके बर्थ इनकी एटीन एटी नाइन थर्ड दिसंबर को थी और ग्यारह अगस्त तो उन्नीस सौ आठ को इनकी मृत्यु हो जाती जब वो सिर्फ अठारह महीने आठ अठारह साल आठ महीने और आठ दिन के थे ठीक है सुखदेव जी चौबीस साल की उम्र में इनकी मृत्यु होती है अशफाकुल्ला खान की मृत्यु होती है सत्ताईस साल की उम्र में हेमू कलानी की मृत्यु होती है इक्कीस साल की उम्र में ठीक है सॉरी बीस साल की उम्र में तो नेक्स्ट इज़ अभिनव भारत सोसाइटी देन अनुशीलन समिति गदर पार्टी एंड स्वराज पार्टी देखिए गदर पार्टी लाला हरदयाल स्वराज पार्टी वॉज सी आर दास देन अभिनव भारत सोसाइटी वी डी सावरकर हमने पहले ही पढ़ा एंड अनुशीलन सोसाइटी श्री अरबिंदो घोष जी के द्वारा किया गया सो फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर वन टू थ्री मैच द फॉलोइंग लिस्ट विद वन विद लिस्ट टू ऑर्गेनाइजेश्स एंड फाउंडर्स अभिनव भारत वी डी सावरकर देन मित्र मेला मित्र मेला भी वी डी सावरकर जी के द्वारा ही थी आंसर इज डी ए का टू जी डी सावरकर एंड वी डी सावरकर एक्चुअली दोनों भाई थे गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर तो इन्होंने इसमें जो आंसर दिया है वो ऐसे दे दिया है देन इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एस सेन एंड एच आर ए सचिंद्र नाथ सान्याल अगेन मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू चटगांव, आमरी रेड देन काकोरी कॉन्स्परेसी लाहौर कॉन्स्परेसी गदर पार्टी तो गदर पार्टी तो हो गया लाला हरदयाल जी ठीक है लाहौर कॉन्स्पिरेसी देन काकोरी कॉन्सपिरेसी हो गए लाल रामप्रसाद बिस्मिल जी एंड uh, चटगांव आर्मरी सूर्य सेन एंड लाहौर कॉन्स्परेसी जतिन दास ऑन चार्ज ऑन वॉट चार्ज वॉज जतिन दास अरेस्टेड सो so, लाहौर कॉन्स्परेसी के लिए जतिन दास जी को अरेस्ट किया गया था जतिंद्र और जतिन पार्टिसिपेटेड इन गांधीज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड 1921 बाद में वो कांटेक्ट में आते हैं रिवोलूशनरीज के और पार्टिसिपेट करते हैं बॉम्ब मेकिंग में टू हेल्प भगत सिंह एंड कॉम्रेड्स 14 जून उन्नीस सौ उनतीस को उनको अरेस्ट किया जाता है ऑन सच टाइप ऑफ चार्जेज अंडर द सप्लीमेंट्री लाहौर कॉन्स्परेसी केस उन्होंने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट की जेल में जेल रिफॉर्म्स के लिए एंड ड्यू टू हिज लॉन्ग हंगर स्ट्राइक जो कि तिरसठ दिन तक चली जितिन डाइड ऑन थर्टीन ट्वेंटी नाइन द फ्रीडम फाइटर हू डाइड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वॉज जतिन दास जितिन दास की मृत्यु कैसे हो रही है हंगर स्ट्राइक से चंद्रशेखर आज़ाद ड्यूरिंग एनकाउंटर भगत सिंह हैंड कल्पना दत्त लाइफ इन प्रजेंटमेंट अगेन चटगांव आर्मी रिरेड देन अभिनव भारत अनुशीलन समिति एंड कूका मूवमेंट तो कोका मूवमेंट हुआ था पंजाब में गुरु राम सिंह ठीक है अनुशीलन समिति जो है अभिनव भारत दामोदर सावरकर अनुशीलन बॉस और बिंदो घोष एंड चटगांव आर्मी बॉस कल्पना दत्त सूर्यसेन और कल्पना दत्त ये दोनों ही लोग साथ थे देख लेते आंसर इसका चटगांव कल्पना दत्त अरेस्टेड विद सूर्यसेन एंड गॉट लाइफ इन प्रिजनमेंट अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर अनुशीलन समिति और घोष एंड कूक मूवमेंट गुरु राम सिंह अंडर हुस चेयरमैनशिप अ कमिटी वॉज फॉर्म टू डिफेंड द एक्यूज इन काकोरी केस तो काकुरी केस में डिफेंड करने के लिए एक कमिटी बनाई गई थी अक्यूज को डिफेंड करने के लिए वो किसकी चेयरमैनशिप में बनाई गई थी वो बनाई गई थी गोविंद वल्लभ पंत जी की सो योगेश चंद चैटर्जी वन ऑफ द फाउंडर मेम्बर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ही वॉज सेंटेंस टू लाइफ इन प्रेजेंटमेंट इन काकोरी केस ही रोट इन हज बुक इन सर्च ऑफ फ्रीडम दैट पंडित मोतीलाल नेहरू अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद वल्लभ पंथ फॉर्म द काकुरी केस डिफेंस कमेटी एंड इन एन आर्टिकल ऑफ शंकर नारायण राव एट पी आई वी वेबसाइट इट इज़ मैंशन दैट इन दिस केस प्रेसिडेंट ऑफ द डिफेंस कमेटी वॉज पंडित मोतीलाल नेहरू वी एट दिस मोमेंट कंसिडरिंग शी चैटर्जीज बुक एज प्राइमरी सोर्स अंडर कंसिडर ऑप्शन बी एज द करेक्ट आंसर ठीक है तो दो जगह दो कॉन्सेप्ट लिखे थे पी आई बी में पंडित मोतीलाल नेहरू जी लिखे हुए थे और अम, जो ही रोट इन इज बुक इन सर्च ऑफ फ्रीडम ठीक है दैट पंडित मोतीलाल नेहरू लीडरशिप ऑफ गोविंद वल्लभ पंथ फॉम डा काकुरी डिफेंस कमेटी श्री शंकर नारायण राव ने मैंशन uh, किया है मोतीलाल नेहरू जी को इनिशियली यूपीपी एस सी एस एज कंसिडर्ड ऑप्शन डी एज द करेक्ट आंसर बट लेटर ऑन उन्होंने रिवाइज कर दिया बी नेक्स्ट इज मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू सो एसोसिएशन्स एंड फाउंडर्स रिवोल्ट ग्रुप एच आर एच एस आर एंड पंजाब नौजवान सभा देखिए एच आर ए तो हो गए आपके एच एस आर चंद्रशेखर आज़ाद पंजाब नौजवान सभा इज़ भगत सिंह न एच आर ए राम प्रसाद बिस्मिल एच एस आर ए चंद्रशेखर आजाद पंजाब नौजवान सभा भगत सिंह क्रेडिट कोज टू सूर्यसेन फॉर इज रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन चटगा बेंगाल ही स्टैब्लिश द रिवोल्ट ग्रुप राम प्रसाद वॉज द मैंबर ऑफ फाउंडर मैंबर ऑफ एच आर ए ही हैड अ स्पेषल रोल इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस एंड चंद्रशेखर आजाद फाउंडेड द एच एस आर ए 1925 भगत सिंह ने भी ज्वाइन किया एंड साथ ही साथ उन्होंने पंजाब नौजवान सभा भी बनाई हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एन अर्ली मेम्बर ऑफ द नौजवान सभा फॉर्म्ड एन नाइनटीन तो अर्ली मेंबर कौन नहीं था इनमें से अंबिका चक्रवर्ती नहीं थी uh, नहीं थे या थी देखते नौजवान भारत सभा वॉज अ लेफ्ट विंग एसोसिएशन दैट सॉट टू फॉर्म रेवोल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज बाय गैदरिंग टुगेदर वर्कर

ठीक है। से सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी एंगेज थी अभिनव भारत अनुशीलन समिति दोनों ही रेवोल्यूशन एक्टिविटीज में बेस्ड थी विनायक दामोदर सावरकर और घोष और बिंदो घोष न्यू नेशनलिस्ट पार्टी एंड इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन नहीं थे अभिनाव भारत अनुशीलन समिति व दूशनी ऑर्गनाइजेशन इंडियन पैट्रोटिक एसोसिएशन सर सैयद अहमद खान ने अठारह सौ अठासी में बनाई थी कांग्रेस को अपोज करने के लिए हु प्रोपाउंडेड दिन रेजिटेंस ऑरबिंदो घोष और प्रोपाउंडेड द डॉक्टर इन हिज बुक वन दे मातरम ही वॉज ऑफ द व्यू दट ब्रिटिशर्स मस्ट इमीडिएटली लीव इंडिया इंडिया दे लीव इंडिया

1928 में एच भी बनाया गया चंद्रशेखर आज़ाद जी के द्वारा फिरोज शाह कोटला ग्राउंड डेली में भगत सिंह इसके एक फाउंडर मेंबर थे विच ऑफ़ द फॉलोइंग रेवोल्यूशरीज वॉज हैंंगड इन गोरखपुर जेल गोरखपुर जेल में किसको फांसी की सजा दी गई राम प्रसाद बिस्मिल जी को सो काकोरी इवेंट हुआ 9 अगस्त 1925 को इसमें उनतीस रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया गया इसमें से बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनके नाम इस प्रकार हैं राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खान रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी एंड दे वर मेलिशियसली प्रोसिक्यूटेड एंड डेथ सेंटेंस वॉज अवार टू देम राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई लाहिड़ी जी को गोंडा में रोशन सिंह को अलाहाबाद में और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद में हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी लीडर्स अटेम्पटेड टू असैसिनेट चार्ल्स टेगाट द हेटेड पुलिस कमिश्नर ऑफ कैलकाटा तो कैलकाटा के एक हेटेड पुलिस कमिश्नर थे चार्ल्स टेगाट Um, उनको मारने की कोशिश किसके द्वारा की गई तो गोपीनाथ साह जी के द्वारा की गई ही वॉज़ नोटोरियसली फेमस फॉर हिज ब्रुटैलिटी एंड यूज़ ऑफ टॉर्चर से बारह जनवरी 1924 को गोपीनाथ साह जी uh, के ऊपर असिनेशन अटैम्प्ट किया गया बट एरनियसली शॉट डाउन अनदर वाइट मैन बट गलती से दूसरे इंसान को गोली लगी एंड मिस्टर मिसिज एनस्ट डे

सो फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले बिपिन चंद्र पाल तो इसमें से एक्स्ट्रीमिस्ट जो थे वो लाल बाल पाल तो पाल वॉज द एक्सट्रीमिस्ट है ही प्रूव दट आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज मच बेटर दैन वेस्टर्न सिविलाइजेशन ही वॉज वन अमंग द फेमस ट्राई ऑफ लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक एंड शॉर्टली देअर टर्म ड लाल बाल पाल हुमंग फॉलोइंग फीमेल रिवोल्यूशनरी फायर्ड द इंग्लिश गवर्नर वाई रिसीविंग हर डिग्री एट कॉन्वकेशन तो ये थी बीना दास दो बंगाली गर्ल्स थी शांति घोष एंड सुनीति चौधरी दे मर्डर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाय फायरिंग इन 1931 दिसंबर बीना दास फायर्ड एट इंग्लिश गवर्नर वायल रिसीविंग हर डिग्री एट कॉन्वर्गेशन इन फेब्री 1932 हु सेड क्रिटिसिज्म एंड इंडिपेंडेंट थॉट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेवोल्यूशनरी तो किसने बोला था कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थाट ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक रेवोल्यूशनरी में ये बोला था भगत सिंह जी ने Bhagat Singh's words were not rigid or ideologically regimented and are very logical and scientific in its true sense. He reiterated his instance on adopting a scientific and critical attitude towards all things. Ek bar ye bhi bola tha, that criticism and independent thinking they are the two indispensable qualities of a revolutionary. Who among the following founded the Lathi Club? So he was Bal Gangadhar Tilak. So Lathi Club, Hindu Akhada, Ganpati Mahotsav, Shivaji Mahotsav, Uh, ये स्टार्ट किए गए थे बाल गंगाधर गंगाधर तिलक द्वारा एंड ही वॉज द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट एंड कुछ ये जो वजह थी जैसे आप देखेंगे नाम में हिंदू अखाड़ा गणपति महोत्सव दिस इज अ रिलीजियस महोत्सव शिवाजी महोत्सव ऑल दो गोखले सॉरी गंगाधर तिलक जी वॉज नॉट अ कम्युनलिस्ट बट मासिसज को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने उस समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी Uh, जो हिंदुजम से रिलेटेड थी वो भी उन्होंने आगे लाईं इसी वजह से कहीं ना कहीं मुस्लिम्स इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से बहुत हाई uh, लेवल पे नहीं जुड़ पाए ठीक है तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर देन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया सो ही थर्टी फोर क्वेश्चन वुड बी डेल्ट इन वन वीडियो ओनली एंड आफ्टर दैट वी विल रीड अबाउट पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट ठीक है तो so, धीरे धीरे बस हम आगे बढ़ रहे हैं Uh, जल्दी ही ये हमारा जो चैप्टर्स हैं इसमें कम्प्लीट हो जाएंगे एंड आई होप इसके कम्प्लीट होते ही आपका एक पूरा रीडिंग जो है आप इसकी जो रिविजन है आपका हिस्ट्री का ही कम्प्लीट हो जाएगा इट वुड बी हेल्पफुल टू यू प्लीज़ डू शेयर और आइडियाज़ कि क्या आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है क्या इसमें चेंजेस आने चाहिए कुछ तो प्लीज़ शेयर कीजिए प्लीज़ बताइए उस तरह से चेंजेस भी किए जाएंगे ओके सो टिल देन कीप रीडिंग कीप रिवाइजिंग जय हिंद